नोकिया 6.2 का वीडियो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा चैनल पे। अब हम बात करने वाले हैं नोकिया 7.2 के बारे में। ये मोबाइल भी जो है इसी महीने में 5 सितंबर को लॉन्च होने वाला है, और इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें इसके अंदर देखने को मिलेंगे और कैसा ये फ़ोन दिखने में होने वाला है, क्या इसका बॉक्स कंटेंट रहेगा, कैसा क्या हमें इसके अंदर मिल पाएगा और क्या इसकी प्राइस वगैरह रहेगी, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोफन में। तो चलिए नज़र डालते हैं नोकिया 7.2 पे। इसके अंदर सबसे जो है ये 6.2 की बजाय थोड़ी सी इसकी डिस्प्ले ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बड़ी है। इसके अंदर हमें जो है 6.18 इंचेस की जो है फुल HD प्लस डिस्प्ले HDR10 डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नोच के साथ मिलती है। यदि इसमें पंच होल डिज़ाइन होता तो और ज़्यादा बेटर होता, लेकिन इसके अंदर जो है हमें वाटर ड्रॉप नोच के साथ मिलता है। और इसके अंदर जो है हमें स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। और यदि इसकी बात करें हम रियर कैमरा की, तो इसके अंदर हमें जो 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा जो है वो सर्किल डिज़ाइन के अंदर सेटअप इसके अंदर हमें दिखने को होने वाला है। इसकी यदि बात करें बैटरी की, तो बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ाई गई है। पहले तू बोल ले, भैंस को कुछ बोलना, माफ़ी चाहेंगे। तो इसकी यदि बात करें हम बैटरी की, तो बैटरी इसकी थोड़ी सी बढ़ाई गई और इसके अंदर 3500 mAh की बैटरी हमें देखने को मिल जाती है। साथ ही में यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो है हमें क्विक चार्जर जो है वो इसके अंदर सपोर्ट करते हैं, यानी फास्ट चार्जर को ये सपोर्ट करते हैं, एक अच्छी बात है। इसकी यदि वेरियंट की बात करें तो दो वेरियंट इसके अवेलेबल होने वाले हैं, एक 4GB 64GB वेरियंट इसका होने वाला है और साथ ही में एक 6GB 128GB वेरियंट होने वाला है। प्राइस के बारे में कुछ अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आया कि क्या प्राइस होगी, प्राइस इसकी हमें पता चलेगी 5 सितंबर के अंदर ही। लेकिन ये फ़ोन भी बड़ा ही मज़ेदार फ़ोन है, यदि इसके अंदर पंच होल डिज़ाइन होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। मेरे हिसाब से मैं इसकी प्राइस कर रहा हूँ 4GB 64GB की जो प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो तकरीबन 17,000 रुपये के आसपास, और 6GB 128GB की 20-22 हज़ार रुपये के आसपास। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसकी प्राइस आपको कौन सी प्राइस आपको इसके फंक्शन को और इनके फीचर्स को जस्टिफाई करती है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आपका कोई भी कीमती सुझाव हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लेके आने की हिम्मत मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता, तो कर लीजिएगा, हमें हिम्मत मिलती है इसे। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी आप सभी को पता ही है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।